सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। भाजपा की ओर से फिट इंडिया के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। वेंकटेश्वर मंदिर से आयोजित हुई मैराथन दौड़ के लिए समय सुबह 7 बजे का तय था, लेकिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ थे, जो सुबह 9 बजे तक नहीं आए, जिसके चलते सैकड़ों युवाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तय समय पर मैराथन दौड़ शुरू नहीं हो पाई और राजेंद्र राठौड़ ने फोन पर ही अपना संदेश सुनाया। उसके बाद रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि मैराथन दौड़ को रवाना करने के लिए स्टेशन रोड पर मंदिर के बाहर खड़े हुए, तो नारेबाजी के दौरान ही दौड़ अपने आप ही शुरू हो गई। इंतजार कर रहे युवकों ने हरी झंडी दिखाने की नौबत ही नहीं आने दी। दूसरी ओर इस दौरान प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मांगीलाल पुजारी, पूर्व विधायक हेमाराम मेघवाल, भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विजय चौहान, कमल दाधीच, जिला महामंत्री मनीष दाधीच, जिला मंत्री रिचपाल बिजानिया, मंडल अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश सोनी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष यशोदा माटोलिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेतागण मौजूद रहे। वहीं गांधी चौक पर पहुंचकर विजेताओं की घोषणा की गई। महिला वर्ग में प्रथम संजू खिलेरी को 2100 रुपये, द्वितीय अनिता चाहर को 1100 रुपये, तृतीय राजू खिलेरी को भी 1100 रुपये का पुरस्कार विधायक अभिनेश महर्षि ने प्रदान किया। दूसरी ओर पुरुष वर्ग से जिस विजेता का नाम सामने आया उस पर विवाद हो गया, जिसके चलते सही तरीके से निर्णय नहीं हो पाया। विधायक अभिनेश महर्षि ने मामले में दखल देते हुए कहा कि इनाम की राशि 2100 रुपये की मिठाई मंगवाकर दौड़ने वाले युवाओं के बीच बांट दी जाए, जिसका सभी ने तालियां बजाकर स्वागत किया। वहीं पुरुष वर्ग में विजेताओं की घोषणा नहीं होने के चलते जिले के कोने कोने से आए धावकों को काफ़ी निराशा हुई और युवा भारी मन से अपने घरों को लौटे। युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विजय चौहान ने बताया कि दौड़ में करीब 347 युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से करीब 40-45 महिला वर्ग की सदस्य भी शामिल थी। आप भी देखिए क्या क्या हुआ इस दौरान और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। सब लोगों ने देश के प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार मैराथन दौड़ करके ये संदेश दिया है कि इस देश को स्वस्थ रखना है। अब बीच में कोई व्यवधान होने के कारण सही तरीके से निर्णय होने में संशय है, इसलिए सारे लोग दौड़े हैं, सब ने संदेश दिया है। मैं आयोजकों से निवेदन करता हूं कि वे 2100 रुपए की मिठाई मंगवा सकते हैं। दौड़ के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार हमारे देश के नौजवान स्वस्थ रहें। शारीरिक रूप से जो स्वस्थ रहेगा वो दिमागी रूप से भी स्वस्थ रहेगा, और जब दिमागी रूप से स्वस्थ रहेगा तो इस देश के निर्माण के अंदर अपने आप को भागीदार बनाते हुए नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार इस देश को आगे बढ़ाने में अपने आप को न्योछावर ही नहीं करेगा बल्कि अपने आप को प्रस्तुत करते हुए नरेंद्र मोदी जी का साथ कंधे से कंधा मिलाकर नौजवान देगा। सुजानगढ़ के अलावा किन किन शहरों में ये सब जगह चल रहा है फिट इंडिया का, लेकिन सुजानगढ़ के नौजवानों को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिले में उन्होंने शुरुआत की है और बहुत अच्छा संदेश दिया है। लोगों को संदेश जाएगा, सब लोगों को एक ही संदेश है कि फिट रहो, स्वस्थ रहो, जिससे इस देश के निर्माण में वो अपनी भूमिका निभा सके। सर जय श्री बालाजी की। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मोदी जी ने जो ये अभी आयोजन रखा है कि पूरे भारत में इंडिया फिट, सबसे पहले मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये काम करके दिखाया है कि मैं फिट तो पूरी इंडिया फिट। निश्चित रूप से भाई साहब ने भी कहा कि दिमाग स्वस्थ रहे, तो खेती का काम करने वाला अगर स्वस्थ रहेगा अन्नदाता, तो निश्चित रूप से अपने को इसमें पूरे भारत में लाभ मिलेगा। बिजनेसमैन है वो स्वस्थ रहेगा तो पूरे भारत को लाभ मिलेगा। जिस तरीके से अभी ये मैराथन दौड़ चल रही है तो फिट के लिए नहीं, मोदी जी ने आज तक जो भी प्रोग्राम लिया है वो सारा हिट हुआ है। हिट के साथ में इंडिया फिट,